सभी को मेरा नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? आज हम करेंगे कक्षा छठी के बाल राम कथा का अध्याय 3, जिसका नाम है दो वरदान। इस अध्याय के माध्यम से मैं आपको उसमें जो भी प्रश्न उत्तर बनेंगे वो सब कराऊंगी, जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे, क्योंकि जो हमारे को बाल राम कथा दी गई है उसमें अध्याय दी गए हैं लेकिन उसके प्रश्न उत्तर नहीं दिए गए हैं। आप ये प्रश्न उत्तर समझेंगे तो आपको पूरा का पूरा अध्याय अच्छे से समझ आ जाएगा। तो अब हम इसे स्टार्ट करते हैं। तो इसमें पहला प्रश्न है, राजा दशरथ के मन में क्या इच्छा बची थी? तो उत्तर है राम के राज्याभिषेक की। प्रश्न 2, राजा दशरथ शुभ समाचार देने के लिए किसके कक्ष की ओर बढ़े? जो राजा दशरथ थे वो शुभ समाचार सबसे पहले किसको देने गए? तो इसका उत्तर आएगा, राजा दशरथ शुभ समाचार देने के लिए रानी केकई के कक्ष की ओर बढ़े। प्रश्न 3, केकई को भवन में किस दिशा में थी? क्योंकि केकई को बहुत गुस्सा आया हुआ था, जो उनकी दासी थी मंथरा उसने उसे कहा था कि राम का राज्य अभिषेक होने वाला है, तो वह जब गुस्से में होती थी तो वह कोप भवन में चली जाती थी। तो जब कोप भवन में वह थी तो उसकी कैसी दशा में वह वहां पर थी? तो इसका उत्तर है, रानी केकई कोप भवन में मैले कपड़ों और बिखरे बालों में जमीन पर लेटी हुई थी, उनके गहने भी कक्ष में बिखरे हुए थे। प्रश्न चार है, रानी केकई के वरदान सुनकर राजा दशरथ की क्या दशा हुई? जब रानी केकई ने अपने वरदान मांगे कोप भवन में तो उनकी क्या दशा हुई? तो उत्तर है, रानी केकई के वरदान सुनकर राजा दशरथ अवाक रह गए और मूर्छित होकर गिर पड़े। प्रश्न 5, रानी केकई ने राजा दशरथ से कितने वरदान मांगे और वरदान में क्या मांगा? रानी केकई ने राजा दशरथ से 2 वरदान मांगे। पहला वरदान मांगा कि राम की जगह भरत का राज्याभिषेक हो, और दूसरे वरदान में मांगा कि राम को 14 वर्ष का वनवास हो। आखिरी प्रश्न इस अध्याय का प्रश्न 6, मंथरा कौन थी? रानी केकई की दासी का नाम मंथरा। आशा है कि आपको ये अच्छे से अध्याय समझ आया होगा। अगर आपको समझ आया है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। धन्यवाद।